कौशल की फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए थे। फिल्म पहले ही अब तक की 10वीं सबसे ज्यादा ग्रॉस कलेक्शन करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। इसके साथ ही फिल्म ने एक और नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। यूं कहें कि फिल्म ने एक बड़ा ही इतिहास रच दिया है। दरअसल बीते 11 जनवरी को रिलीज हुई इस फिल्म ने थिएटर्स में 100 दिन पूरे कर लिए हैं। इसकी जानकारी ट्रेड एक्सपर्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विटर अकाउंट पर दी है। तरण आदर्श ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, जब अधिकतर फिल्में 10 दिन में सिनेमाघरों से निकल जाती हैं, वहीं थिएटर्स में उरी द सर्जिकल स्ट्राइक ने 100 दिन कर लिए हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बता दें कि फिल्म में विकी ने मेजर विहान शेरगिल का रोल निभाया था, वहीं यामी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के रोल में नजर आई थी। रॉनी स्क्रूवाला के बैनर तले बनी फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक ने कई बड़े स्टार्स की फिल्मों को टक्कर दी है। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म गली बॉय की रिलीज के बाद भी उरी थिएटर्स में अपना दम दिखा रही थी। इसके अलावा टोटल धमाल, केसरी, मणिकर्णिका और लुका छुपी जैसी फिल्मों की रिलीज के बाद भी फिल्म की टिकटें धड़ाधड़ बिक रही थी। कहना गलत नहीं होगा कि जहां एक टाइम में खान्स की फिल्में एक महीने में थिएटर्स पर नहीं टिक पाती, वहीं विक्की कौशल की इस फिल्म ने तो कमाल ही कर दिया है। वैसे अगर आपने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक देख ली है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी।